हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा। पढ़ रहे होंगे सभी बच्चे, क्लासेज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे सभी लोग। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, आंसर कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की फीलिंग आए। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सलेक्शन ऑफ कैमल्स इज कॉल्ड, अ कलेक्शन ऑफ कैमल्स इज कॉल्ड हर्ड, सोल, स्ट्रिंग, बीवी। तो बच्चों ध्यान रखना होगा आप सभी को, हर्ड का प्रयोग कभी भी कैमल के झुंड के लिए नहीं किया जाता है। हर्ड का प्रयोग किसके किसके लिए किया जाता है, नोट डाउन करते चलें। डियर के साथ किया जाता है, स्वाइन के साथ किया जाता है हर्ड का प्रयोग, एलिफेंट के साथ किया जाता है हर्ड का प्रयोग उनके झुंड को गैदर को दिखाने के लिए, कैटल के साथ किया जाता है, ठीक है, कैटल के साथ किया जाता है हर्ड का प्रयोग, बट वी कैन नॉट यूज हर्ड वर्ड विथ कैमल। ओके, तो चलिए हर्ड आपको समझ आ गया। शोल की बात करते हैं, शोल का प्रयोग हमेशा फिशेस के लिए किया जाता है, ठीक है, फिशेस के लिए। फिश जब एक ही प्रजाति की मछलियां हो तो उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता फिश वर्ड का, बट अगर अलग अलग प्रजाति की मछलियां हो, वैरायटी ऑफ फिशेस, तो हम सोल को फिशेस के साथ यूज़ करेंगे तथा फिशेस का प्लूरल बना सकते हैं। फिश का झुंड दिखाना हो तो शोल का, या कहीं कहीं स्कूल भी वर्ड मिल सकता है आपको, स्कूल ऑफ फिशेस, ठीक है, तो इसको नोट करें। बीवी की बात करते हैं, तो बीवी का प्रयोग हमेशा गर्ल्स के कलेक्शन के लिए किया जाता है, यानी गर्ल्स कह सकते हैं, लेडीज़ कह सकते हैं और वोमेन कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो गर्ल्स और लेडीज़ और वुमेन को दिखाने की बात हो तब आप प्रयोग करेंगे बीवी वर्ड का, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन। ओके, अब आते हैं ऑप्शन नंबर थ्री पर। तो ऑप्शन नंबर थ्री ही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थ्री स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है अ कलेक्शन ऑफ कैमल के लिए, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ कैमल्स। हर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी हर्ड को ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन सा वर्ड है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बट रिमेंबर माय पॉइंट, कैमल का प्रयोग जब झुंड के साथ हो तो स्ट्रिंग होगा, ना कि हर्ड। आई होप विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, द वन यंग वन ऑफ हार, हार्स का यंग वन क्या होगा, यंग वन लिखा रहे या बेबी लिखा रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेबी लिखा रहे, बेबी या यंग वन लिखा रहे, तो बोथ आर सेम, ज़्यादातर यंग वन ही एग्जाम में मिलेगा। हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सिग्नेट, सेकंड कोल्ट, थर्ड वेल्प और फोर्थ टेड पोल, विच ऑप्शन इज राइट आंसर, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स फास्ट। सिग्नेट, सिग्नेट का प्रयोग स्वान के बेबी के लिए किया जाता है, स्वान इट मींस हंस, यू नो वेरी वेल। कोल्ट का प्रयोग, कोल्ट का प्रयोग यंग वन ऑफ हॉर्स के लिए ही किया जाता है, यंग वन ऑफ हॉर्स कोल्ट का प्रयोग। कोल्ट की फेमिनिन जेंडर क्या होती है, फटाफट बताएं, कोल्ट की फेमिनिन जेंडर फिली, ठीक है, फिली होती है कोल्ट की फेमिनिन जेंडर। जैसे हॉर्स की फेमिनिन क्या होती है, मेयर होती है, तो वैसे कोल्ट की फेमिनिन जेंडर फिली होती है, जिस प्रकार से हम सभी जो है यूज़ करते हैं हीफर का, काऊ के यंग वन के लिए, ठीक उसी प्रकार। आगे बढ़ते हैं वेल्प की तरफ, तो वेल्प कहते हैं लायन के यंग वन को, लायंस के यंग वन को, ठीक है, या इसके यंग वन को कब भी कहा जाता है, सी यू बी, ठीक ना, विशेषकर टाइगर के लिए कब का यूज ज़्यादा किया जाता है, टाइगर के बच्चे के लिए। टेड पोल का कौन बताएगा, टेड पोल फ्रॉग के बेबी को कहते हैं, फ्रॉग के यंग वन को टेड पोल कहा जाता है। आई होप आपको सही आंसर मिल गया होगा, आपने फाइंड आउट भी कर लिया होगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन नाउन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वर्ड का जो एडजेक्टिव क्या होगा, ये एक नाउन है, ध्यान रखें। नाउन का प्रयोग, कौन सा नाउन है? एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा हिंदी में कहा जाता है। एक्सपीरियंस दो वर्ड है, एक एक्सपीरियंस वर्ब भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस वर्ब होता है, इसका मीन्स होता है अनुभव करना, इसका मीन्स अनुभव करना वर्ब होता है, तथा एक्सपीरियंस नाउन भाववाचक संज्ञा भी है। अब फाइंड आउट करना एक्सपीरियंस से बना हुआ एडजेक्टिव, एक्सपीरियंस से बना हुआ एडजेक्टिव की अगर आप बात करें तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अपने आधार बना सकते हैं आंसर फाइंड आउट करने के लिए। किसी सेंटेंस में मेंट लगा हो, नेस लगा हो, हुड लगा हो, ठीक है ना, शिप, और आपका वाई लगा हो, और आप क्या कर सकते हैं आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, ठीक है ना, ए टी आई ओ एन, दीज आर वर्ड्स, ए टी आई ओ एन, डबल टी आई ओ एन, कुछ ऐसे सफिक्स लगे हो तो यू वो वर्ड नाउन होता है। तो एक्सपेरिमेंट नाउन है, हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस वर्ब है, अनुभव करना, या इसको मान सकते हैं वही का वही नाउन ही उतार दिया गया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। एक्सपीरियंस डीज का मीन्स होता है अनुभवी, अनुभवी, ही हैज, कहते हैं ना, मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ऐसे करके। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। एक्सपायरी की बात करें तो एक्सपायरी भी आपका एक नाउन है, लेकिन ये एक्सपीरियंस से बना हुआ नाउन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ना कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। एक्सपीरियंस्ड के सिनोनिम की अगर आप ध्यान दें तो वर्ड्सड भी होता है। वर्ड्सड भी मीन्स ये पास्ट पार्टिसिपल कितना काम कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। सॉल्टेड, सॉल्टेड मीन्स भी होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। डेक्सटोरस, डी ई एक्स टी आर ओ यू एस, आप भी नोट डाउन करते चलें। इसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जैसे प्रोफिशियंस, प्रोफिशियंट, इसका मीन्स भी होता है अनुभवी, ठीक ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से आप पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नहीं होगा, एलिमिनेट करना सीखिए बच्चों, अदरवाइज एग्ज़ाम में कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर सीइंग ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव, सिक्स, दीज आर थ्री क्वेश्चंस विच हैव गिवन यू। द डॉक्टर सेड आई स्मॉल डेली डैश ऑफ द न्यू ड्रग वुड सून क्योर, कह रहा है द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट आई स्मॉल डेली डैश। ऑप्शन देखें, टैबलेट, पिल, डोज और क्वांटिटी, किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है डेली वर्ड को, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ डेली वर्ड ही बता रहा है कि यहाँ कुछ खुराक की बात हो रही है। तो क्या टेबलेट मीन्स खुराक होता है, पिल मीन्स खुराक होता है, या डोज मीन्स खुराक होता है, क्या बताएंगे आप? खुराक, तो डोज मीन्स खुराक होता है, डोज मीन्स खुराक होता है, यानी कि रोज निश्चित खुराक लेने के बाद ही तुम क्या हो जाओगे, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वुड सून क्योर हिम, ठीक है, वह जल्दी ही ठीक वह हो जाएगा। अब आप देखिए, टैबलेट मीन्स होता है एक छोटी सी, कह सकते हैं टिकिया या डिबिया, या फिर क्या कह सकते हैं, छोटा सा दवा। पिल मीन्स बहुत छोटी गोली को पिल कहते हैं। क्वांटिटी मीन्स मात्रा होती है, और दवा की मात्रा नहीं, दवा की खुराक ली जाती है। तो आई थिंक आपको चार और चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ही क्यों सही होगा। आई होप आप भी हमारे साथ बने हैं और जान पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जब कभी सिंस लगा रहे तो सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
सॉरी या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक उसी प्रकार से सिंस का प्रयोग यदि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिखा रहे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आप देखिए हैव नोन करेक्ट हो जाएगा, नो नहीं हो जाएगा, न्यू भी नहीं और आर नोइंग भी नहीं। क्वेश्चन के आप पैटर्न को समझें, कहा जा रहा है यू डैश हिम सिंस ही चाइल्डहुड। यहाँ देखिए इंडिकेशन भी किया है, मतलब बचपन से। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है ना कि पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग कभी भी यदि सेंटेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप इसको परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, ये ऐसा रूल है, मान लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शी गेव हिम डैश ही वॉन्टेड वॉट ही वॉन्टेड दैट ही वॉन्टेड दैट विच ही वॉन्ट दैट एंड विच एक साथ ही वॉन्टेड दैट वॉट ही वॉन्टेड बताएं। ध्यान रखिए एलिमिनेशन की तरफ चलते हैं। दैट और विच का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दैट का प्रयोग भी हमेशा किया जाता है नॉन लिविंग के इंडिकेशन के लिए, विच का प्रयोग भी नॉन लिविंग इंडिकेशन के लिए। दैट और वॉट का प्रयोग, डबल कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते, डबल रिलेटिव कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते, तो दोनों गलत हो गया। वॉट का प्रयोग जो कुछ भी के सेंस में, ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी के सेंस में हो रहा है, या कहा जा रहा है जो कुछ भी मतलब जो भी तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम चाहते थे उसने तुम्हें दिया, उसने उसे दिया, जो कुछ भी वह चाहता था ही लिखा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पर आप देखिए दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वॉट का प्रयोग ही क्यों करेंगे, आई होप आप भी श्योर हो पा रहे हैं। दैट का प्रयोग डिमांस के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ध्यान रखें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। 4, दिस दीज दोज और दिस दैट, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा संकेत के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आप भी समझ गए होंगे। 7 पे चलते हैं। एरर, रिटर्न इट बैक टू मी ए स्लैश मी टूडे इफ बी स्लैश यू वॉन्ट नीड इट सी स्लैश नो एरर डी। रिटर्न इट बैक, आगे ही आपको मिल जाना चाहिए। रिटर्न के साथ, नोट डाउन करें, रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मीन्स ही होता है वापस देना, वापस करना, रिटर्न में ही वापस लगा हुआ है, इसलिए रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। मी टूडे इफ यू डोंट, बाकी सब सही है, तो रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होगा, इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ईच वन ऑफ यू ए स्लैस हू कंसीडर्स दिस रिपोर्ट बी स्लैस विल मेक अप देयर माइंड सी स्लैस एज आई डिड डी स्लैस नो एरर ई। आई होप जान पा रहे होंगे आप, आगे से स्टार्टिंग करिए। ईच वन ऑफ यू, यहाँ देखिए ईच सिंगुलर है, वन सिंगुलर है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, मतलब तुम में से हर एक, यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रही है, ईच वन ऑफ यू का मीन्स तुम में से हर एक जो कंसीडर्स मीन्स विचार करता है। अब यहाँ पर देखिए ईच की वजह से हूँ आया इनको इंडिकेट करने के लिए, हूँ चूंकि सिंगुलर को इंडिकेट किया ईच के वजह से इसलिए एस या ई एस लगा, तो सारा यहाँ तक तो रूल सही चला। अब आगे बढ़ें, दिस, यहाँ भी दिस की बात हो रही है किसी भी चीज़ को, तो यहाँ दिस रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे, दिस रिपोर्ट यानी इस रिपोर्ट भी सिंगुलर है, तो दिस भी यहाँ सही है। फिर से आगे बढ़ें आप, विल मेक अप देयर माइंड, सी पार्ट में एरर आपने फाइंड आउट कर लिया, देयर माइंड कह रहा है, जब यहाँ पे ईच को सिंगुलर बना दिया तो जब किसी सेंटेंस में आपको बताया गया है ईच हो, एवरी हो, नो हो, नन हो, ठीक है,
ये सब हो तो आप जब तक जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर का इंडिकेशन ना हो, तब तक आप यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हुए हिज का प्रयोग करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव अपने दिमाग में, ना कि उनके दिमाग में, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया कि कैसे इसी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट्स, मतलब रिक्वेस्ट्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट्स करने के बाद, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी द ओनर ऑफ द हाउस, घर का जो मालिक था, डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस, अपने घर के दरवाजे को नहीं खोला। हमारे बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद घर का मालिक, एक की बात हो रही, अपने घर को नहीं खोला, तो यहाँ तक तो सही गया। डिड नॉट को आप फॉलो करें, डिड नॉट के अगर साथ चलें तो डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? हु विल गिव मी आंसर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए ओपेंड लगा हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ओपन है। या तो यहाँ पर डिड नॉट को हटा देता तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म सही था, ठीक है, कि उसने दरवाजा खोल दिया, तो आप इसको कह सकते थे इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट्स द ओनर ऑफ द हाउस ओपेंड द डोर ऑफ हिज हाउस, मीन्स अपने घर के दरवाजे को खोल दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दरवाजे को नहीं खोला, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, यहाँ सेकेंड फॉर्म है। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए, व्हाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच? ऑप्शन नंबर बी, व्हाई डिड दे विदड्रू फ्रॉम द मैच? ऑप्शन नंबर सी, व्हाई डू दे विदड्रू फ्रॉम द मैच? व्हाई डज दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच? कौन सा आंसर सही होगा बताएं, फटाफट आंसर करें। डी ऑप्शन भी देखें, व्हाई डज दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच, विच ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही होगा? फर्स्ट कह रहा है व्हाई डिड दे विदड्रॉ, क्या ये सही है? फटाफट आंसर करें। यस यू आर राइट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्यों सही है? सेम पैटर्न को आप फॉलो करें, सेम पैटर्न को आप अगर ध्यान से देख रही हैं तो आपको पता चल जाएगा। व्हाई डिड दे, डिड सही है, दे सही है, विदड्रॉ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है। सेकेंड पे आए, डिड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म किया है इसलिए ये गलत हो गया। डू के बाद विदड्रू सेकेंड फॉर्म किया है, ये भी गलत हो गया। डू डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, डज दे के साथ लगता ही नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। यहाँ पर देखिए बता रहा है सिंपल सेंटेंस से किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल, बताइए। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है, पहचानिए। व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहाँ जीवन है वहाँ पर आशा है, जहाँ चाह है वहाँ पर राह है, बताएं कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सो लॉन्ग, आपको कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ चलना है, कह रहा है सो लॉन्ग देयर इज लाइफ देयर इज होप। दूसरा कह रहा है लाइफ एंड होप आर सेपरेबल। तीसरा कह रहा है अनटिल देयर इज होप देयर इज लाइफ। और चौथा कह रहा है वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप देयर। इसको ध्यान दें, सो लॉन्ग एज देयर इज लाइफ। आपको पता है कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कंपाउंड में क्या अंतर है? यस यू आर राइट, ऑप्शन नंबर बी ही अपना करेक्ट आंसर होगा। बट व्हाई, बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होता है, ध्यान रखिए, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। सबॉर्डिनेट क्लॉज के तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। नाउन क्लॉज में सारे क्वेश्चन वर्ड तथा दैट आते हैं जब ये नाउन की तरह काम करते हैं, और एडजेक्टिव में यही क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं। फिर बचा आपका
एडवर्ब क्लॉज तो यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम करता है, जैसे बिकॉज, सिंस, एज सून एज, सो लॉन्ग एज, नो सूनर, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, वेयर, देयर, ये सारे सेंटेंस हमेशा काम करते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरह। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आपने कंजक्शन को पहचान लिया तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, यह भी कॉम्प्लेक्स है, यह भी कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सेंटेंस की बात करें तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही उसका फाइनाइट वर्ब होता है। लाइफ एंड होप इसका सब्जेक्ट है और आर इसका फाइनाइट वर्ब है। सेपरेबल एक प्रकार से एडजेक्टिव है। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है ये समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड। आप देख पा रहे हैं आई हैव बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा, उसने कहा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टेंस पहचानना होगा। हैव कौन सा टेंस है? हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हेड में जाता है, पास्ट इनडेफिनिट हेड में जाता है और पास्ट परफेक्ट हेड ही रहता है, चेंज नहीं होता। फर्स्ट, और आप दूसरी बात, जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, तो यहाँ टेंस तो चेंज होना है। और आपको पता है प्रोनाउन चेंज भी होते हैं, एस ओ एन का रूल भी आपको बताया गया है, फर्स्ट, एक, दो, तीन और एस ओ एन। इसका मीन्स क्या होता है? एस ओ एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड पर्सन नो चेंज, चेंज करना है यहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे ही है, तो यहाँ पर ही चेंज होगा। तब तुरंत आप सी ऑप्शन पे पहुँच जाएं और दे बना हुआ है इसको नेगलेक्ट करें। बचा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। जब आपने समझ लिया कि टेंस चेंज होगा तो यहाँ हैज का कोई काम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले ही मिल गया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या गलती किया है? ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए विद्यार्थियों, हाउसेज कर दिया है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं करेंगे, इंटेलिजेंट नहीं बनना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ रूल को हमें क्यों ना उनके अनुसार ढलना ही पड़े। ऐसा आप रट के नहीं चलेंगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा पढ़ा था, है ना। चलिएगा, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश यू हैप्पी जर्नी नीता सेड टू मी। ए ऑप्शन कह रहा है नीता विश्ड आई अ हैप्पी जर्नी, ऐसा तो होता नहीं, जब यहाँ पर मी कहा है तो कैसे आप इसको आई बना देंगे, गलत हो गया। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, दो प्रकार से होते हैं ना, एक होता है विशिंग वर्ड और एक होता है आपका कर्सिंग वर्ड, विशिंग वर्ड, कर्सिंग वर्ड, इस तरीके से आप इसको करते हैं। नीता विश्ड यू, जब मी है तो मी यू कैसे बनेगा। दूसरा आगे बढ़ें, नीता विश्ड हिम। आप अगर मी को देखें तो नीता क्या है, मी आपका नीता एक लड़की है जिसके लिए शी यूज़ होगा, तो नीता विश्ड मी यहाँ तक तो वही रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान है कि रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जो चेंज करना है यही करना है, यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब यहाँ नहीं कर सकते तो नीता ने मुझे विश किया, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी सी इनकरेक्ट क्यों है, आपने कोरिलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। बेगनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है बताएं? बी ई जी आई एन, बेगिन होता है ना। जब इसमें कोई भी सफिक्स ऐड होता है और वो वॉवल से स्टार्ट हो
तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल आप समझिए, जब कोई भी कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल हो तो भी कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे अब देखिए फैट, तो अगर कहना है फैटर तो एफ ए डबल टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टी के पहले कोई ना कोई वॉवेल है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं ऑप्शन पर। फर्स्ट ऑप्शन में दो बार एन नहीं किया है, सेकेंड ऑप्शन में किया है, करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में बी आई जी से स्टार्ट किया है, और फोर्थ ऑप्शन में बिगिन होता है बी ई जी आई एन, इसका सेकेंड फॉर्म बिगैन होता है जी ए एन, और इसका थर्ड फॉर्म बिगन होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में आई एन जी लगा दिया, तो यहाँ बी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा आपने जान लिया। कुछ रूल्स भी आपने सीखे जिसको आप अप्लाई करें और एग्ज़ाम में अपने तरीके से इस स्पेलिंग को करने का प्रयास करें। चाहे आप कहीं पर भी अलग से लिख लें, चाहे आप रट लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू विल डू इन योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिलीव की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव। ध्यान रखिए बिलीव में एल आई ई वी ई रहता है, लेकिन यहीं पर आप ध्यान रखिए दोस्तों, यदि कंसीव की बात हो सी ओ एन सी ई आई वी ई रहता है, नोट भी करते चलें। रिसीव की बात हो आर ई सी ई आई वी ई रहता है, ये भी नोट करें। परसीव की बात हो पी ई आर सी ई आई वी ई रहता है, नोट करें। ये सारे स्पेलिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। सी ई आई यहाँ पर हो जाएगा, न कि सी आई ई, ठीक है। बट बिलीव में ऐसा नहीं होता, बिलीव में बी ई एल आई ई वी ई होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 15 का, बताएं फटाफट आंसर करें। सब कुछ आपने सीख लिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। यहाँ पर आई है गलत हो गया, बी लाइव लिखा है ये भी गलत हो गया, बिलीव में एल ई आई लिखा है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड फ्रेजेस। 16-17 दो क्वेश्चन आपको आइडियम एंड फ्रेजेस के दिए गए हैं। ब्रेन वेव का मीनिंग क्या होता है, दिमाग में तरंगे आना, ऐसे को रिलेट करें। सडन क्लेवर आइडिया, बिल्कुल सही। सडन डेथ, ऐसा हो सकता है कि दिमाग में तरंगे आती हैं तभी मृत्यु होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा एग्ज़ाम में यहाँ पर कोई साइंस थोड़े ना हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो कहा जाता है वही इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट मीनिंग नहीं होता है, इसका मीनिंग घुमा के होता है। जैसे कह दिया जाए ऊँट के मुंह में जीरा, तो क्या ऊँट के मुँह में आप जीरा डाल दोगे दाल छोंकने वाला, बिल्कुल नहीं। यहाँ मतलब है ज़्यादा सामान चाहिए कम है, यहाँ पर ऊँट के मुँह में जीरा हो गया। अगर आपको कहना है गागर में सागर, तो क्या गागर में सागर ला के भर दोगे, नहीं। यहाँ एक मीनिंग निकलती है, यही आप आइडियम एंड फ्रेजेस में भी अप्लाई करें तब ही आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। सेकंड में देखिए सडन डेथ को भी बहुत से बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेज में। आइडिया ऑफ द मर्डर, यानी कि किसी की हत्या का ख्याल आना, यानी आपको गुस्सा लगी दिमाग में आया मर्डर कर डालो, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है। और डी ऑप्शन अटैक ऑफ पैरालाइज, देखिए डी ऑप्शन और बी ऑप्शन साइंस से रिलेटेड है, और यहाँ आइडियम्स एंड फ्रेजेज में ऐसा कोई शाब्दिक अर्थ नहीं रहता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का ए ही करेक्ट आंसर है, आप इसको लर्न करें, बार बार एग्जाम में पूछता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अब बॉसम फ्रेंड का क्या मतलब है, बहुत से लोगों के घनिष्ठ मित्र होंगे, मैंने देखिए बता भी दिया। बॉसम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, बहुत सारी मीनिंग कह सकते हो। क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड कहते नहीं हैं,
तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, फास्ट फ्रेंड, एनमी नहीं होगा, लॉस्ट फ्रेंड भी नहीं होगा, खोया हुआ मित्र, वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। तो 17 का यदि आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको लर्न करते चलें क्योंकि एग्ज़ाम में ये घूमने वाले प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सप्रेशंस 18 to 20, यानी 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आप इसको कह सकते हैं फॉरेन एक्सप्रेशन वाले, आप इसको कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। फर्स्ट अब कह रहा है अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज इज कॉल्ड, फटाफट बताएं बच्चों, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं। और यहाँ जब भी अवियरी देगा तब अपियरी देगा, जब अपियरी देगा तब अवियरी देगा, क्योंकि पी और वी का ही तो अंतर है। ध्यान रखिए, बीज जहाँ पर वो खुद रहती हैं उसको हाइव कहते हैं, मिलता जुलता देखिए, बहुत से बच्चे हाइव को ही फटाफट पकड़ लेंगे। बी मीन्स होता है मादा मधुमक्खी, इसका नर मधुमक्खी की जब बात हो तो ड्रोन कहा जाता है, ड्रोन कैमरा से कोरिलेट करके आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। ड्रोन, DRONE, ड्रोन, ड्रोन मीन्स होता है नर मधुमक्खी, और बी मीन्स होता है मादा मधुमक्खी, ठीक। और ये रहते जहाँ है उसको हाइव कहा जाता है, ये अपना घर बनाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है जहाँ रखे जाते हैं, अ प्लेस फॉर कीपिंग यानी रहने के लिए जो घर बनाया जाता है। अब आपको आई थिंक समझ आया होगा, मधुमक्खी शाला की यहाँ बात हो रही है, जहाँ मधुमक्खी पाले जाते हैं, जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन को, कुक्कुट पालन को पोल्ट्री कहा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से जहाँ पर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं उनको अपियरी कहा जाता है। इसको ध्यान से देखें, अवियरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि पक्षीशाला, जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती हैं, पक्षीशाला, ठीक है, जैसे एक्वेरियम होता है ना जहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से पक्षी जहाँ पाले जाते हैं वहाँ पर पक्षीशाला को हम लोग अवियरी कहते हैं। आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, बर्ड्स अवियरी और बीज अपियरी। हाइव मतलब मधुमक्खियाँ खुद जो छत्ता बनाती हैं, ड्रोन कहते हैं मेल मधुमक्खी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट है, क्योर फॉर ऑल डिजीज, बताएं सब मर्ज की एक दवा, कहते हैं ना राम बाण इलाज, बताएं फटाफट राम बाण इलाज कौन सा होगा। रेमेडी मीन्स उपचार होता है, ये तो कोई सी भी बीमारी का उपचार होगा। यहाँ कह रहा एक सब मर्ज की एक दवा, हनुमान जी लाए थे ना जड़ी बूटी लक्ष्मण के लिए, तो वो क्या कहा जाएगा, पैनेशिया, ध्यान रखें पैनेशिया, PANACEA, स्पेलिंग भी आया हुआ एग्जाम में पैनेशिया, तो पैनेशिया ध्यान रखेंगे, सिया अगर पढ़ेंगे तो CEA दिमाग में रहेगा, PANA, पैन मीन्स ऑल होता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, इसी से शब्द बना है पैनथेइज्म, आपने पढ़ रखा है। ओमनीवरस मीन्स होता है, ओमनी मीन्स ऑल होता है, यानी कि जो सब कुछ खाए, सर्वाहारी, सर्वभक्षी, ओमनीवरस। हर्ब मीन्स वनस्पति होता है, रेमेडी मीन्स उपचार होता है, तो पैनेशिया करेक्ट आंसर, आंसर डी, ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि अभी और भी मिलेंगे आपको, बट नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चंस देखिए, 20th क्वेश्चन, अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, इसको ध्यान रखिए, बहुत से विद्यार्थी फटाफट क्या कर सकते हैं, हेमलेट को कर सकते हैं, हेमलेट इज द करेक्ट आंसर। जब भी नदी किनारे कोई सभ्यता विकसित होती है तो 4-6 गांव, जब भी मतलब 4-6 घरों का गांव होता है, उसको इंग्लिश में वन वर्ड की दुनिया में हेमलेट कहा जाता है, ठीक है, हेमलेट उसको कहेंगे। हेमलेट मीन्स होता है यहाँ पर क्लस्टर ऑफ हाउसेज, यानी घर का छोटा सा झुंड जो एक गाँव बनाता हो, दैट इज कॉल्ड हेमलेट। विलेज सामान्य कोई भी गांव हो सकता है। फेयर मीन्स आप जानते हैं दोस्तों, मेला होता है, ठीक है। और एग्जीबिशन की बात करें तो एग्जीबिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी, ठीक है,
प्रदर्शनी आप जानते हैं, सभी लोग घूमने जाते होंगे, एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, ऐसे ही अंत तक बने रहें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर इम्पोर्टेंट टाइम।